जिसने आज से 70 साल पूर्व मुझे इस पावन धरा पर गुरुग्राम की माँ शीतला की स्मृति पर जन्म दिया था, और आभार प्रकट करना चाहूँगा केंद्रीय सनातन सभा का और पंजाबी बिरादरी महासंघ। बहुत लोगों के मन में शंका थी कि ये आयोजन स्वीकृति कर रहे हैं, आपकी सूचना के लिए, क्योंकि मीडिया भी सुन रहा है, ये सारा आयोजन या तो सुरेंद्र खुल्लर जी की जो गीता भवन पर केंद्रीय सनातन सभा की है, या इसमें योगदान है श्री ओम कठुरिया जी का, और जो प्रचार हुआ है
जो प्रचार हुआ है मैंने एक नया पैसा किसी भी विज्ञापन पे खर्च नहीं किया है। लोग सोचते हैं कि राजनीतिक लाभ उठाने के लिए अखबारों में कम से कम 15 अखबारों में फुल पेज की एडवर्टाइजमेंट आई है। वो यहाँ पर बहुत से दानवीर बैठे हैं, जैसे हमारे प्रमोद सलूजा जी बैठे हैं, हमारे दिनेश नागपाल जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं तो उनके नाम की लिस्ट बहुत लंबी है। तो कहने का मतलब यह है कि ये प्रेम है, कहते प्रेम की बात है, उदो एक संत हुए हैं। तो इसमें प्रेम के अंदर आदान प्रदान कुछ नहीं होता है, प्रेम के अंदर समर्पण होता है। तो जो प्रेम आप सबने दिखाया, आपको हाथ जोड़ करके नतमस्तक करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। ईश्वर चाहेगा तो मेरे से सेवा लेगा, अगर वो सोचता है कि ये सेवा के लायक नहीं है तो मुझे बिठा देगा। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए। वैसे तो आज के दिन मैं पिछले 46 वर्षों से वृंदावन में इस बार कल सूर्य ग्रहण था, इसलिए इस बार 5 ग्रहण कार्यक्रम वहाँ पर है। तो इसलिए ईश्वर इच्छा है कि यहाँ पर गोवर्धन का गुरुवार बनाए, केंद्रीय सनातन सभा गीता मंदिर और पंजाबी बिरादरी महासंघ साथ प्रेम का आज 17-18 जगह बारह जगह जिसमें शहीद ये 9वां स्थान है, जिसके बाद अभी यहाँ पर अन्नकूट का आयोजन भी है और गोवर्धन की स्थापना हुई, इसके बाद पूजा हुई। लोगों का प्रेम का मैंने जहाँ भी गया मैंने 6 बजे से पहले हमारे समाज को उसके बाद मंदिरों में गया, गौशाला में गया, प्रेम उमड़ रहा है लोगों का और लोग प्रेम दे रहे हैं। और इसमें जितना भी आयोजन है, ये सारे जितने भी मेरे शुभ चिंतक हैं, इसमें मेरा कुछ योगदान है। ये सारा यज्ञ जो रचा जा रहा है, या तो ये बिरादरी या शुभ चिंतकों या जितने भी मेरे प्रेमी हैं उनका समर्पण भाव है, ये उनकी तरफ से काफ़ी हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है लोगों में। प्रोग्राम में कितनी जगहों पर अभी आपने बताया कि 17-18 जगहों पर आयोजन किया गया, और कहाँ कहाँ पर आपने अभी जाना? अभी मैं सुबह गया था जी एम स्कूल में, वहाँ जल्दी विक्राम और वहाँ क्लासेज किया, उसके बाद और वहाँ गए, उसके बाद गोपीनाथ, उसके बाद ललित कागा जी का वहाँ गए, वहाँ कुछ उनके लिए कुछ समाज वगैरह मिल गया, उसके बाद गुरुशाल में गए, उसके बाद अपने त्रिलोक का हो जाए हमारे क्या है माता चित्र को भी मंदिर गया, वहाँ पर मेरी आस्था नाम वहाँ का पढ़ा हुआ, फिर वहाँ आ गया, अब यहाँ है, यहाँ से जाएंगे और उसके बाद हमें देवता जी के मंदिर और गंगा गिरी मंदिर से ऑटो रिक्शा के जो संघ बना हुआ है पूरे भारत में, उन्होंने भी अपना प्रेम प्रकट किया है। गलेरिया मार्केट में उस दिन जो कार्यक्रम होगा 6 बजे तक वहाँ होगा, उसके बाद मुझे अपने परिवार के साथ समय बिताने का अधिकार है। तो फिर भंडारे का आयोजन जैसे यहाँ किया गया, क्या और जगह पर किस तरह का आयोजन?
मंदिर में लोग कर रहे हैं, मेरा कोई आयोजन नहीं है, मैं तो मात्र एक मेहमान बन के जा रहा हूँ। ये अपना प्रेम दिखा रहे हैं, जैसे आज इस महान यज्ञ के अंदर वैसे हर वक्त होता है, पर आप देखेंगे पीछे आइए, लेकिन इसमें पंजाबी बिरादरी के जो बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, नाम लेना उचित नहीं है, उनका भी इसमें सहयोग है। तो इस यज्ञ के अंदर अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से आहुति दी। तो हमारे सिकरी जी बहुत ही ग्रेट हैं, महान हैं। मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करूंगा कि ऐसे महान शख्सियत को हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न और दीर्घायु रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा